जाते हुए रास्ते में जो है वो एक छोटा सा स्टॉप लिया है, और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ हवा चल रही है, यहाँ मेरे बालों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वक्त जो है हम जगलोट पहुंच चुके हैं और आज हमारा सफ़र है जगलोट से स्कर्दू का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ जो है ये खूबसूरत जगलोट स्कर्दू रोड के मनाजर जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत जो है रास्ता है स्कर्दू की तरफ जाते हुए, और बहुत ही बेहतरीन किस्म का रोड बना हुआ है। अभी जो है वो जगलोट है मकाम, जो कि कराकरम हाईवे पर मौजूद है। यहाँ पे तमाम तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और जो कि चिलास के बाद आता है, चिलास के बाद जगलोट है, और उसके बाद जो है वो कराकरम हाईवे जो है वो का सफ़र अभी जारी है। कराकरम हाईवे के ऊपर ही जगलोट के बाद एक जंक्शन आता है, जहाँ से राइट साइड पे एक रास्ता जो है वो मुड़ जाता है। तो अभी वो पॉइंट, वो जंक्शन आने वाला है जहाँ पे लिखा होगा JSR, यानी कि जगलोट स्कर्दू रोड। ये आप देख सकते हैं, साइन भी यहाँ पे आ चुका है, तो राइट साइड पे साइन आ गया है, और यहाँ पे वो जंक्शन जो है उस मुकाम पे हम पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने इस कराकरम हाईवे को लीव कर देना है और राइट साइड पे टर्न ले लेना है, जो कि JSR है, जगलोट स्कर्दू रोड है। यहाँ से स्कर्दू तकरीबन 165 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़ है, और बहुत ही खूबसूरत सफ़र हमारा होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर जो है वो आने वाले हैं इस रोड के ऊपर। ये रोड भी एक बेहतरीन किस्म का कारपेट रोड बना हुआ है, और बल खाता हुआ सांप की तरह जो है वो जिग जैग जो है वो स्कर्दू तक जाएगा, और इसके साथ ही दरिया सिंध भी बहता हुआ आपको मिलेगा। राइट साइड पे दरिया आपके साथ साथ होगा, और ये खूबसूरत रास्ते का सफ़र जो है ना स्कर्दू तक आपको एक बेहतरीन जो है वो यादगार सफ़र मिलेगा। तो हमने जो है वो अब JSR के ऊपर अपना सफ़र जो है वो शुरू कर दिया हुआ है, और तकरीबन 3 से 4 घंटे का ये सफ़र होता है, क्योंकि ये ज़िगज़ैग रोड है, तो ज़्यादा स्पीड के साथ आप इसके ऊपर जा नहीं सकते। हर थोड़े से डिस्टेंस के बाद एक कर्व आ जाता है, कुछ कर्व जो है वो ज़्यादा डेंजरस भी हैं, कुछ नॉर्मल्स हैं, कहीं पे रोड सीधा आ जाएगा। तो ये सारे खूबसूरत मनाजर जो है ना इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, एक मालूमाती वीडियो है। अगर आप स्कर्दू जाना चाहते हैं और सफ़र और ये रोड की कंडीशन जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक जो है वो अच्छी साबित होगी।
सरदू जाते हुए रास्ते में जो है वो एक छोटा सा स्टॉप लिया है, और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ हवा चल रही है। मेरे बालों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये पीछे बहुत ही स्पीड में नाला बह के आ रहा है। टूरिस्ट जितने भी आते हैं वो इस जगह पे थोड़ा सा स्टे करते हैं। यहाँ पे होटल्स वगैरह भी है, खाने पीने की चीज़ें भी दस्तियाब हैं। आप पानी की स्पीड चेक कर सकते हैं कितनी तेज़ी से जो है वो पानी बह के आ रहा है। ये वो पॉइंट है, आप देख सकते हैं टूरिस्ट जितने भी आए हैं यहाँ पे जो है वो फोटो सेशन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पे चैलेंज भी कर रहे हैं। आपको मैं नाले की दूसरी साइड दिखाता हूँ जहाँ से पानी आउट होके जा रहा है इस तरफ। ये देखिए जो कि सरदू की तरफ जा रहा है। ये देखें जी नाला, की अस्तक नाला इसका नाम है, अस्तक। शायद पहले मैंने नाम गलत पढ़ दिया होगा, ये बता दिया होगा। तो ये देख सकते हैं कितनी स्पीड से पानी जो है वो आ रहा है, और पानी का शोर भी आप सुन सकते होंगे, सुन रहे होंगे।
चेक पोस्ट पे इस टाइम रुके हैं हम। यहाँ से जो है वो पचूरा झील 5 किलोमीटर है और स्कर्दू शहर जो है मेन वो 28 किलोमीटर है। यहाँ पे टूरिस्ट की एंट्री हो रही है, पुलिस चेक पोस्ट है। यहाँ पे सारे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे कोस्टर से उतर आए हैं क्योंकि आगे कोस्टर जाने के नहीं देते, आपको जीप करवानी पड़ती है यहाँ या लोकल यहाँ पे कोई वैगन चलती है उसके ज़रिए से आप आगे जो है वो अपर कचोरा लेक तक जा सकते हैं। अगर आपने शंग्रीला लेक जाना है तो वो पैदल डिस्टेंस पे है, वहाँ पे जा सकते हैं।